केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार नागपुर में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण शुरू हुआ, जिससे किशोरों का बेहतरीन रिस्पांस मिला। कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर मरीजों को बूस्टर डोज देने की तैयारी मनपा प्रशासन ने कर ली है। 10 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है। इमामवाड़ा आइसोलेशन सेंटर पर करीबन 60 से 70 लोगों ने लाभ लिया है, जिसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने। आइए डालते एक नज़र। 10 जनवरी से जो है 60 से अधिक उम्र वाले और फ्रंटलाइन वर्करों के लिए जो है बूस्टर डोज जारी किया गया है। आज हम आए इमामवाड़ा स्थित आरोग्य केंद्र पर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, बूस्टर डोज के लिए फ्रंटलाइन वर्कर जो है यहाँ पे वैक्सीन के लिए आए हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जो है यहाँ के वैक्सीन कोऑर्डिनेटर है, उनसे हम जानेंगे। सर, क्या बताओगे, यहाँ पे जो है हमें बड़ी मात्रा में जो है फ्रंटलाइन वर्कर और जो है 60 साल से अधिक उम्र वाले जो है लोग दिख रहे हैं बूस्टर डोज के लिए। कितने लोगों ने अभी तक जो है बूस्टर डोज लिया है, क्या बताओगे? मैडम, अभी जो बूस्टर डोज का चल रहा है ये नागपुर महानगर पालिका का आइसोलेशन हॉस्पिटल है, यहाँ पे दोनों डोज चल रहे हैं अभी, 15 से 18 साल के बच्चों का और फर्स्ट और सेकेंड कोविडशील्ड का डोज चल ही रहा है, प्लस साथ में 60 साल वाले जो हैं उनका भी और फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, इन लोगों का भी डोज चल रहा है। सुबह से कम 60 से 62 लोग जो है ओल्ड एज के लोग, 60 साल वाले और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, इन्होंने अभी वैक्सीन एक डोज लेके अपना बूस्टर डोज कम्प्लीट किया है। ये जो फ्रंटलाइन वर्करों के लिए, इसमें हेल्थ वर्कर ही शामिल है क्या? हेल्थ वर्कर भी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर भी हैं, प्लस 60 से ऊपर वाले जो हैं सीनियर सिटीजन लोग। तो हमने जाना कि यहाँ पे जो है 60 से अधिक उम्र वाले और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों ने 60 से 70 लोगों ने यहाँ पे जो है बूस्टर डोज लिया है और आने वाले दिनों में ये लगातार चलता रहेगा। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ क्षितिजा देशमुख, VCN न्यूज़ नागपुर।